हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बोरपेटा रोड गाइज। हाँ गाइज, मैं अभी हूँ बोरपेटा पे एंड हाँ, मैं इतना सस धस के अभी सुबह का बज रहा है 7:16 एंड सुबह का 7:16 को मैं कहाँ जा रहा हूँ गाइज, वो भी स्टेशन पे हूँ। सो हाँ गाइज, मैं फिर से जा रहा हूँ बोंगाईगांव। गाइज, बोंगाईगांव से मैं उस दिन आया था, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखा होगा कि मैं ना बोंगाईगांव से बोरपेटा आया था, बट आज बोरपेटा से फिर बोंगाईगांव जा रहा हूँ। हाँ गाइज, आप लोग तो सुना ही होगा ना कि बोंगाईगांव में भी एक वाटर पार्क खोला है, तो लोग भाई रेडी हो गए जाने के लिए, तो उन सब लोग भी आ रहे हैं। सो अभी स्टेशन पे मैं सबसे पहले आया हूँ। बाकी मेरे को वीडियोज़ अपलोड करना था स्टेशन का नेट से, क्योंकि फ़ोन का नेट से तो वीडियो अपलोड होगा नहीं क्योंकि स्पीड कम रहता है, तो स्टेशन का नेट में अपलोड करने के लिए आए। तो फिलहाल जाते गाइस, पहुंच चुके हम स्टेशन। सो उन लोगों के लिए रुकता है और वीडियो अपलोड करता है, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। ओके गाइस, अभी मिंटू भाई और इधर पे दो भाई आ चुके हैं। भाई नाम क्या था तुम्हारा? शिवम। तुम्हारा नाम? समीर। तुम लोग बोरपेटा का ही है ना? तो मिंटू का दोस्त है लोग, तो अभी मेरा भी दोस्त बन गया। अभी गाइस फिलहाल ट्रेन आ रहा है गाइस, थोड़ा सा लेट है, बट अभी मैं वीडियो अपलोड में लगाया था भाई, 20 FPPS में हो रहा है। मतलब अभी तो इधर पे होगा ना, बट बोंगाईगांव पे जाके मेरे को वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। बाकी गाइस थोड़ा ही टाइम है, 10-15 मिनट में ट्रेन आ रहा है। सो इधर से निकलते गाइस और दिखाते आप लोगों को बोंगाईगांव का वाटर पार्क। ओके गाइस, अभी फिलहाल ट्रेन आ चुका है हम लोगों का। बाकी भाई इसमें जाना है भाई। ओके गाइस, अभी हम लोग का ट्रेन चालू हो चुका है भाई साहब। सुबह मतलब ऐसा सुबह सुबह ना ट्रैवल करके अच्छा भी लगता है ना, बहुत ज़्यादा। ये देखो ये लोग भाई मिरर सेल्फी लेने लग गया भाई, ट्रेन में भी छोड़ दो भाई कम से कम। बाय बाय बोरपेटा गाइस, बाय बाय बोरपेटा। मैं उस दिन बोंगाईगांव से आया था और फिर आज बोंगाईगांव जा रहा हूँ भाई। मेरे अपने ही बूस्ट दिल पीठ पीछे गाली दे के सामने से मस्त मस्त। We all running on a treadmill, जान से हूँ भागरा पर मिलती नहीं मंजिल। मेरे अभी बूस्ट दिल पीठ पीछे गाली दे के सामने से मस्त मस्त। 2022 ना साउंड करा चेंज है, पहले फटे कपड़े अब नाइकी की रेंज में। सपने काफी बड़े मुझे घर लगे, ऐसा फेस कर स्माइल पर ये दिल अभी भी रोता। मैं क्यों मुझे खुद से डर लगे, क्यों अभी और थोड़ा ही टाइम है और 2-3 स्टेशन के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे। छोटा सा जर्नी है गाइस, अच्छा लग रहा है ट्रैवल करके। मतलब ऐसे सुबह सुबह को ना ट्रैवल करके बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब फ्रेश वाला फील आता है, एकदम रिफ्रेश फील आता है। दिखाता है आप लोग। मुझे खुद से ही डर लगे, क्यों ये मन लगे, ख्वाबों में ख्वाबों में ख्वाबों में। गाइस मैं क्या पहुंच चुका हूं बोंगाईगांव स्टेशन एंड हां गाइस, इसका बाद न्यू बोंगाईगांव स्टेशन है। ओके गाइस, अभी ना बोंगाईगांव स्टेशन पर आके रुका हुआ है एंड इसके बाद आएगा गाइस न्यू बोंगाईगांव स्टेशन। सो दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी बहुत टाइम हो गया गाइस, ट्रेन रुका ही हुआ है, 10-15 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। दिखाता है गाइस पहुँच ही गया बस। गाइस अभी ना 1 घंटा हो चुका है, अभी तक ना ट्रेन छोड़ा नहीं है, स्टेशन पर ही हम लोग रुका हुआ है। 1 घंटा हो चुका है भाई, 1 घंटा। ओके गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू बोंगाईगांव स्टेशन एंड अभी हम लोग उतरने वाले हैं एंड इधर से गाइस ई रिक्शा वगैरह लेके जाएंगे सीधा वाटर पार्क। दिखाते आप लोग। ओके गाइस, अभी हम लोग स्टेशन से निकल चुका है और अभी ना हम लोग को ई रिक्शा वगैरह लेना है, उसका बाद डायरेक्ट सीधा मिलते हैं गाइस आप लोगों का साथ में। मेरे अपने ही बूस्ट दिल पीठ पीछे गाली दे के सामने से मस्त मस्त। We all running on a treadmill, जान से हूँ भागरा पर मिलती नहीं मंजिल। गाइस हम लोग आया था वाटर पार्क में और हाँ गाइस, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम लोगों का किस्मत अच्छा हो। अभी ने बंद होके रखा है पूरा वाटर पार्क, जो है ना पूरा बंद है। इधर से सीधा चलते हैं। ओके गाइस, जो वाटर पार्क में आने के लिए इतना दूर से ट्रेवल करके ट्रेन में आया सुबह सुबह जर्नी करके, बाकी गाइस वो तो बंद हो चुका है। बाकी थक चुका हूँ गाइस, इतने ही चढ़ने में थक चुका हूँ। मतलब बोंगाईगांव का एक व्यू पॉइंट है तो पहाड़ पे चढ़ रहा है, बाकी नेचुरल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थकावट थोड़ा है थोड़ा से में, क्योंकि पहाड़ तो उतना चलता नहीं है। बाकी दिखाता है इस ऊपर का व्यू। पहले फटे कपड़े अब नाइकी की रेंज में, सपने काफी बड़े मुझे घर लगे, छोटा सा फेस कर स्माइल पर ये दिल अभी भी रोता। मैं क्यों मुझे खुद से ही डर लगे, क्यों। गाइस थक गया बहुत ज्यादा थक गया भाई।
नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। गाइस थोड़ा सा ट्रैकिंग करके आना पड़ता है, बागेश्वरी पहाड़ का नाम है इधर का, लोकल लोग बताए, हम लोग को एकदम आइडिया नहीं है। हम लोग आया था वाटर पार्क में और पूरा नेचुरल नेचुरल गाइस, इधर में अगर मेरा साथ अगर वो भी आता ना, समझ गए आप लोग, भाई पागल हो जाता वो, क्योंकि उसको नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। लेट्स गो। इधर पे ना गाइस शेर वगैरह भी निकलता है, सुन रहा था नीचे से, बोल रहा था कि इधर पे ना शेर निकलता है। भाई कितना घना जंगल है, आप दिखा दो इधर, भाई पूरा घना जंगल है। हाँ इधर से देखो क्या सुंदर लग रहा है, एंड उधर से ना पूरा व्यू दिखाई देता है बोंगाईगांव का। और रिकी भाई मेरे को बोल रहा था कि ऐसा ऐसा बात है, बट आज सडनली आना इधर हो गया भाई, हम लोग का प्लान कहीं से भी कहीं चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, भाई साहब। ओके गाइस अभी हम लोग व्यू पॉइंट में आ चुका है, भाई साहब इतना सुंदर व्यू है ना, बट ऑलमोस्ट ना गुवाहाटी का जैसे ही है, बट गुवाहाटी पे ना ज़्यादा बिल्डिंग बिल्डिंग नज़र आता है, बट इधर पे ना ज़्यादा वो नज़र आ रहा है, खेती वेती दिख रहा है, मतलब इधर से चाय पत्ती का बगान है एंड उस साइड में स्टेशन है, बाकी इधर पे पूरा बोंगाईगांव दिखाई दे रहा है गाइस। बाकी और नीचे में कोई एक भाई भी मिल चुका था मेरे को, एक्चुअली वो मेरा रिश्तेदार का ही बेटा था, सो उसको भी मिला था, बट मैं व्लॉग नहीं बनाया, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इधर में। भाई लोग है, अरे भाई लोग जूता के लिए लफड़ा कर रहे हैं लोग, क्या सीन है भाई, बोलते हैं जूता खोल दो फोटो शूट करेंगे, कुछ भी भाई। अभी हम लोग ने इधर पे सेम दो पॉइंट बना हुआ है, जैसे कि इधर पे एक स्टॉपेज बना के रखा है। बाकी एक चीज़ अच्छा लगा गाइस, हम लोगों का ना गुवाहाटी गांधी मंडप में जाने के लिए ना 30 रुपीज़ का टिकट चाहिए, बट इधर पे कुछ भी टिकट वगैरह नहीं है, एंड उधर पे भी एक ऐसा ही बना हुआ है, सेम ऐसा बना हुआ है। बाकी इधर का व्यू चेक करो आप लोग, सिनेमेटिक दिखाते हैं आप लोगों को। मेरी बदनसीबी मेरी सजा तो मैं 8 लगे, मेरी माँ का भोलापन वो आंसू रख के रोती थी, जब कोई उसे बोले तेरा बेटा भगवान लगे, माँ पापा की आंखों में आवाज़ों नहीं है परिता। इधर पे ऐसा बना हुआ है, देखो इधर पे एक बना हुआ है एंड उस साइड में एक बना हुआ था, बाकी इधर पे ना एक मंदिर है, शायद से शिव बाबा का मंदिर है, इधर पे एक मंदिर है, और इधर से व्यू चेक करो एंकर, ये गर्लफ्रेंड का साथ लगवाया गाइस। हम लोग तो गाइस सिंगल लौंडे गाइस, हमारा तो कुछ नसीब में है भी नहीं, ये व्लॉग का बाद पक्का गाइस कट जाएगा। बाकी इधर कौन सा मंदिर है, काली माँ का मंदिर है गाइस, सॉरी शिव मंदिर नहीं, इधर काली माँ का मंदिर है इधर पे एक, और ये देखो। ओके गाइस अभी हम लोग क्या हिल का नाम था भाई, बागेश्वरी हिल से हम लोग अभी उतर के सीधा जा रहे हैं खाने के लिए, बहुत ज़्यादा भूख लगा है, रेस्टोरेंट रिजॉर्ट जो भी मिलता है, रिजॉर्ट बहुत दूर में है, बाकी रेस्टोरेंट वगैरह कुछ अगर मिलता है तो जाता है गाइस खाने के लिए, सो मिलता है गाइस, बट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भाई, मतलब अगर ये सीन अगर गुवाहाटी में होता ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, बट सेम ना हम लोगों का जो उधर पे ना गांधी मंडप गुवाहाटी का सब लोग पहचानते ही है, तो सेम उसी का जैसा इधर पे व्यू है, सेम व्यू है, गांधी मंडप में भी ऐसा ऐसा बना हुआ है, ठीक है, तो वैसा टाइप का ही है। बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है घूम के, सो अभी फिलहाल जाते हैं गाइस रेस्टोरेंट पे और जाके खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। ओके गाइस इधर पे ना सारा खाना वगैरह आ चुका है, फ्राइड राइस और इधर पे क्या बोलते हैं इसको चिकन बटर चिकन मसाला आ चुका है। बाकी गाइस अभी हम लोग खाएंगे एंड इधर से ना हम लोगों का ट्रेन भी है, लाइक ट्रेन 4:40 का टाइम है, जो कि मैं लास्ट व्लॉग में आप लोग देखा था कि मैं बोंगाईगांव से सीधा घर गया था, तो खाते गाइस और निकलते इधर से। हेलो जी गाइस, खाना खा के अभी निकल चुका है हम लोग, स्टेशन का पास में था वो रेस्टोरेंट था, मतलब उतना भी खास रेस्टोरेंट नहीं है, बट हाँ खाना टेस्टी था, है ना भाई, खाना टेस्टी था ना, बढ़िया से, मतलब उधर पे ना बैठ के हम लोग फ्राइड राइस, एक फ्राइड राइस और चिकन बटर मसाला मार के, बाकी पूरा चिप्स अभी चिप्स लेके जा रहे हैं ट्रेन का जर्नी के लिए। ओके गाइस हम लोग का ट्रेन आने वाला है, बाकी आज से 3-4 दिन पहले हम इधर भी था,
इसी स्टेशन से गया था बोरपेटा, और आज डायरेक्ट बोरपेटा से मैं घूमने के लिए आ चुका हूँ। बाकी यहाँ गाइस कल जा रहा है गाइस एकुलेंट, क्योंकि इधर का वाटर पार्क बंद था, तो क्या बोलता है मिंटू भाई बोल रहे कि एकुलेंट जाएगा, तो उसको लेके जाता है एकुलेंट। ओके गाइस आके पहुँच चुका है ट्रेन या ओके गाइस अभी ना ट्रेन पे बैठ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है भाई, ट्रेन कब छोड़ेगा नहीं पता। बाकी ये ब्लॉग कैसा हुआ कैसा नहीं मेरे को नहीं पता। बाकी गाइस आप लोग एक ही बात करूँगा कि सपोर्ट करो गाइस, सब्सक्राइब मेरे को। मिंटू भाई कल गुवाहाटी एकदम ट्रेन छोड़ रहा है गाइस अभी। गाइस ये हम लोग भैया से मुड़ी मुड़ी ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं भैया, कॉफी बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये रहे गाइस मुड़ी आके पहुंच चुके हम लोग। ओके गाइस अभी इधर पे झाल मुड़ी वगैरह ले लिया भाई लोग, है सब लोग। अभी मतलब क्या सीन हुआ है, हम लोग ने चाय पीने वाला था, अब एक गिरने वाला है, अभी हम लोग चाय पीने वाला था, लेकिन क्या हुआ, हम लोग का साथ में एक बंदा, देखो ये बंदा चाय पीने वाला बंदा बोलता है कॉफ़ी पिएगा, ठीक है उसका वजह से कॉफ़ी लिया हुआ, नहीं तो चाय पीता हम लोग। और राजनी बस खाने वाला बंदा क्या खा रहा था भाई, सिग्नेचर बोलते हैं, वो भी तीन सिग्नेचर भाई, डिमांड भर गया। ये बंदा लेजेंड है ग्रुप का गाइस, इसको पहचान लो, कहीं भी दिखे ना भाई, एक बार भी दिखे तो हमको डीएम करना, हम लोगों को डीएम करना, स्क्रीन फोटो ले लेना इसका साथ भाई, मैं बता रहा हूँ। मेरे सपने हैं बस दिल पीट पीछे गाली दे के सामने से मत। ओके गाइस मैं आके पहुंच चुका हूं, फिलहाल बोरपेटा उतर चुका हूं। बाकी हां गाइस इसी ट्रेन पे हम लोग आया। बाकी गाइस वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब।